हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का सम चल रहा है ओके सो इट कंटिन्यू विद दैट प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक किया हुआ है सो फोर्टीन से स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ रेडियस ऑफ गर्वेचर सेवेंटी टू मीटर्स एक रेसिंग ट्रैक है जिसका रेडियस का वैल्यू यहाँ की है ना वी आर नॉट रिकमेंडिंग द वहीकल टू ड्राइव फास्टर देन टू एंड सिक्स पर आवर यानी कि ये एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट है टू वन सिक्स किलोमीटर्स पर आर इसको मीटर पर सेकेंड करना होगा विथ वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड यानी कि एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन है ये एट वॉट हाइट विल बी आउटर एज बी विध रेस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज टेन मीटर वाइट ये टेन मीटर विड दिया हुआ है यहाँ पे एलिवेशन ढूंढना है ओके एच ढूंढना है तो so क्विकली लिख देता है यहाँ पर किन क्या क्या है क्वेश्चन में हमारे तो पहले देखोगे तो यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है तो मैं रेडियस लिख देता हूँ आर का वैल्यू है सेवेंटी टू मीटर सेकेंड वैल्यू है वेलासिटी का तो एक्चुअली वी मैक्स है मैं यहाँ वी लिख रहा हूँ टू वन सिक्स किलोमीटर्स पर आर तो इट इज़ टू वन सिक्स किलोमीटर पर आर अब ये किलोमीटर्स में तो सॉल्व होगा नहीं इसको करना है मीटर पर सेकेंड तो द मेथड इज़ कि मैं इसको फाइव पॉइंट एटीन से मल्टीप्लाई कर दूं और फाइव पॉइंट एटीन आया कहाँ से तो वैसे होता है किलोमीटर का अगर मीटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थाउजेंड और डिनोमीटर में आर्स का सेकेंड्स में करना है तो आर्स का सेकेंड्स में कर देंगे तो आ जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड ये यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड्स ओके अब अगर इसको कैंसिल करोगे सॉल्व करोगे तो ये नंबर आ जाता है कुछ सिक्सटी मीटर पर सेकेंड तो जब कैंसिल वगैरह करके सिक्सटी आ जाता है अब इसके बाद में हमें ढूंढना है यहाँ पे एंगल मतलब हमको ढूंढना है यहाँ पर थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग ओके तो पहले एंगल ऑफ बैंकिंग का आइडिया मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ऑफ बैंकिंग का मतलब थीटा इज फॉर्मूला है हमारा टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर इन टू जी ओके वी स्क्र बाई आर जी फॉर्मूला है उसका तो वैल्यूज डालेंगे अभी यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्र वी की वैल्यू सिक्सटी है तो ये सिक्सटी इंटू सिक्सटी डाल देंगे डिवाइड बाय रेडियस का वैल्यू सेवेंटी टू है यहाँ पर और जी का वैल्यू अगर एक्सरसाइज में देखेंगे शुरू में जी का वैल्यू वहाँ पर टेन लिखा हुआ है तो जी की जगह पर टेन लिखें थ्रू द क्वेश्चन हम लोग टेन ही लेने वाले हैं अब ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ अब यहाँ राइट साइड में देख लो टेन का मतलब ये ज़ीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया ये और ये ठीक है अब यहाँ पर सिक्स है ऊपर और यहाँ सेवेंटी टू है तो अगर मैं इसको कट करूं तो सिक्स वन एंड अब ये ट्वेल्व और सिक्सटी ऑब्वियसली ये फाइव है तो ये आंसर आ जाता है फाइव पॉइंट जीरो 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 ओके अब नेक्स्ट स्टेप है नेचुरल टैन के टेबल में 5.000 का नियरेस्ट नंबर ढूंढना इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है तो ले देखते हैं कहाँ पर है वो नंबर क्लोजेस्ट दो नंबर हैं मैं वो दोनों लिख रहा हूँ यहाँ पर पहला नंबर है फोर पॉइंट नाइन फाइव नाइन फोर एट इस फोर पॉइंट नाइन फाइव नाइन फोर ये एक नंबर आ रहा है और दूसरा है फाइव पॉइंट में फाइव पॉइंट 0.504. अब ये इसके डिग्रीज और मिनट्स चेक करोगे यहाँ पे तो ये आ रहा है कितना ये पहला वाला है 78 डिग्री 36 मिनट्स और दूसरा वाला है 78 डिग्री 42 मिनट्स तो अब हमें आंसर ढूंढना है जो इस नंबर का नियरेस्ट है तो अगर हम लोग ये देख ले 4.9594. 9594 मतलब ऑलमोस्ट ये ये जो फाइव नाइन फोर है तो ये सिक्स हंड्रेड के आसपास बनने जा रहा है मतलब ये फोर पॉइंट नाइन सिक्स है और इसको देखेंगे तो ये फाइव पॉइंट जीरो फाइव है मतलब ये फाइव के ऊपर कितना है फाइव ज़ीरो फोर और ये नंबर अगर ध्यान से देखोगे तो ये नाइन सिक्स है मतलब बेसिकली ये फोर हंड्रेड कम पड़ रहा है इससे तो हमें नियरेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे तो मेरा जो एंगल आ रहा है यहाँ पर वो है 78 डिग्री 36 सिक्स मिनट्स हमें अपने आंसर से नियरेस्ट पहुंचना होता है ओके okay? और क्योंकि यहां पर जैसे ये फोर पॉइंट वगैरह आ जाएगा वहां देखोगे मीन डिफरेंस का कोई कॉलम ही नहीं है तो जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा तो सेवेंटी डिग्री थर्टी मिनट्स ये आ गया मेरा एंगल ऑफ रैंकिंग अब नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि एट वॉट हाइट हाइट ढूंढना है तो हाइट के लिए जो जहाँ पर डायग्राम एज्यूम करना है वो ऐसा कि चलो ये जो रोड है या ट्रैक है वो ऐसा है कि लेंथ है एल ये यहाँ से बैंक भी होगा तो ये है दोबारा वो एंगल ऑफ बैंकिंग और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा है कि कितने हाइट से वो एलिवेटेड है दैट इज एच ढूंढना है तो ऑब्वियस थीटा का अपोजिट साइड चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे साइन थीटा तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेनस तो एच इक्वल्स टू एल साइन थीटा तो एच फाइंड आउट कर लेते हैं तो एच का वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे एच एसिकल्स टू एल का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ये जो टेन मीटर था ये एल था तो so it इज़ टेन मल्टीप्लाई भाई साइन थीटा तो इट इज साइन ऑफ थीटा का वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट किया है सेवेंटी एट डिग्रीज थर्टी सिक्स मिनट्स तो सेवेंटी एट थर्टी सिक्स का साइन देख लो और उसको टेन से मल्टीप्लाई कर लो तो so, यहाँ पे क्या करना है नेचुरल साइन में ये वैल्यू चेक करना है सेवेंटी एट डिग्री थर्टी सिक्स मिनट्स यह आ जाता है जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो टेन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा नाइन पॉइंट एट जीरो थ्री तो यह आ गया हमारा हाइट का आंसर और यहां पे नीचे आ गया था हमको एंगल सेवेंटी एट डिग्री थर्टी सिक्स और राइट तो यह है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में ये कंटिन्यूएशन है ऊपर के क्वेश्चन का

तो डेटा लिस्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे तो so, एक एक करके पहले डेटा लिख देते हैं रेडियस हमको मालूम है पीछे के क्वेश्चन में क्या था सेवेंटी टू मीटर था यहाँ पर हमको फ्रिक्शन दिया हुआ है मीवेस एस का वैल्यू जो so, है जीरो पॉइंट एट ओके वी नीड टू फाइंड वी मिनिमम वी मिनिमम ढूंढना है तो वी मिनिमम का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं वी मिनिमम वॉज इक्वल्स टू रूट ऑफ यहां पर आएगा आर जी एन दी ब्राकेट टर्म कम्स यह आता है टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस एन थीटा बस अब यहां पे सारे वैल्यूज डालते जाएंगे तो पहले आ जाएगा ये यह यहां पर आर का वैल्यू सेवेंटी टू का वैल्यू टेन आगे वैल्यू देखेंगे तो टेन थीटा आ रहा है तो पीछे क्वेश्चन में हमको यहां पर टेन इनवर्स ऑफ़ फाइव आया था मतलब बेसिकली टेन थीटा क्या था टेन थीटा था फाइव माइनस म्यू एस म्यू एस की वैल्यू जीरो पॉइंट एट है यहाँ पर डिवाइडेड बाय वन प्लस फाइव इन म्यू एस जीरो पॉइंट एट योर नेक्स्ट स्टेप विल बी ये सेवेंटी टू और टेन बन जाएगा सेवन टू जीरो फाइव माइनस जीरो पॉइंट एट ये है फोर पॉइंट टू डिवाइड बाई वन प्लस फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट तो फाइव इंटू जीरो पॉइंट एट ये ये एट फाइज फोर्टी हो गया दैट इज बेसिकली फोर फोर प्लस वन दैट इज फाइव ये पूरा रूट के अंदर का मटेरियल सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है सिक्स जीरो फोर पॉइंट एट सिक्स जीरो फोर पॉइंट एट अब यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट का टेबल यूज करना है तो उसके लिए नंबर को चेंज करेंगे पहले तो नंबर है क्या पहले यहाँ पे देखो इसका मैं लिख दूंगा सिक्स पॉइंट जीरो फोर एट दो डेसिमल्स मैंने पीछे किया है यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं हंड्रेड लिख सकता हूँ इसी का मीनिंग क्या हो गया ये आ जाएगा स्क्वायर जीरो फोर एट और स्क्वायर रूट ऑफ हंड्रेड तो पता ही है टेन बन जाएगा ये तो पहले इसका आंसर ले, ले लेते हैं सिक्स पॉइंट जीरो का फोर में एट देख लेते हैं स्क्वायर रूट के टेबल में ये वैल्यू आ जाती है टू फोर सिक्स जीरो तो इट इज टू फोर सिक्स जीरो डेसीमल आता है एक के बाद टू पॉइंट फोर सिक्स जीरो इंटू टेन टेन से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आंसर बन जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड यहाँ हमारा आंसर खत्म होता है इफ ऑल अगर हमें कन्वर्जन करना है तो फिर से ये मीटर को अगर किलोमीटर करना है तो किलोमीटर में लिखने के लिए मेथड क्या है उसी का उल्टा जो मैंने पीछे बताया था तुमको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड करने के लिए फाइव अपॉन एटीन से हमने मल्टीप्लाई किया था ऐसे यहाँ पे 24.6 है तो यहाँ पर 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बाई फाइव करोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा किलोमीटर पर आर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये नंबर आता है 88.56 ये बन जाएगा किलोमीटर्स पर आर तो ये तो एक आंसर आ गया हमें मिनिमम स्पीड के लिए क्वेश्चन का एक और पार्ट है बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड्स तो उसके लिए आंसर कैसे लिखेंगे तो यहाँ पहले लिखेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग हमको कितना आया था थीटा वॉज इक्वल टू यह आया था सेवेंटी एट डिग्री थर्टी सिक्स तो डेरिवेशन पढ़ते टाइम एक कंडीशन था कि व्हेन थीटा इज मोर देन और इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्रीज